हेलो, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड जेन्युइन सप्लायर फॉर एक्सपोर्ट। मेरे आगे के आपने 1-5 पार्ट नहीं देखे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए और वहां पे आपको पूरे 1-5 पार्ट स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे, जिसमें आप घर बैठे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, जब हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमारे पास होना चाहिए गुड्स, होना चाहिए मतलब प्रोडक्ट होना चाहिए। कौन सी प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट करनी है, सबसे पहले हमको डिसाइड करना है प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट करनी है। प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद जो हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जेन्युइन सप्लायर एंड जेन्युइन प्रोडक्ट इन इंडिया, हाउ टू सोर्स प्रोडक्ट इन इंडिया। तो वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि प्रोडक्ट का सोर्सिंग कैसे करना है, जेन्युइन सप्लायर इंडिया में कैसे फाइंड करना है। तो यहां पे जब हमें जेन्युइन सप्लायर फाइंड करना है इंडिया में, देखो इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है तो हमें सावधानी से काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सावधानी से काम करना पड़ेगा और जेन्युइन लोगों के साथ कांटेक्ट करके जेन्युइन सप्लायर फाइंड करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले थ्रू B2B वेबसाइट, यस, आपको कोई भी प्रोडक्ट का इंक्वायरी आता है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, B2B वेबसाइट पे जाके वहां पे, जैसे कि राइस का आपको चाहिए राइस, तो B2B वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आप फाइंड कर सकते हो राइस मिल इन इंडिया, तो वहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। आपको कोई स्टेशनरी की प्रोडक्ट चाहिए या आप स्टेशनरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको प्रोक्योरमेंट करना है, उसके लिए आपको नॉलेज लेना है, तो B2B साइट पे चाहिए और वहां पे स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर आप लिखिए, वहां पे आपको स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। तो आप B2B साइट से आप जेन्युइन सप्लायर फाइंड कर सकते हो। यस, B2B साइट जो है बहुत ही अच्छा है, आप उसका यूज कर सकते हो। दूसरा है लोकल एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर। यस, जब हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि लोकल एग्जीबिशन में आप जाओ, वहां पे बहुत सारे सप्लायर आपको मिल जाएंगे, जेन्युइन सप्लायर, और एग्जीबिशन में आते हैं मोस्टली जेन्युइन होता है, फिर भी ध्यान रखना है, बट मोस्टली जेन्युइन होता है। जब हमें बायर फाइंड करना है, जब हमें एक्सपोर्ट के लिए बायर फाइंड करना है, तो हमें विदेश में एग्जीबिशन में जाना है जहां पे हमको बायर मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमको? बाहर मिलेंगे। बट जब हमें जेन्युइन सप्लायर हमारी कंट्री में चाहिए, जेन्युइन मैन्युफैक्चरर हमारी कंट्री में चाहिए और कोई नई प्रोडक्ट चाहिए, आप नई, कई लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, मेरी ट्रेनिंग में आते हैं तो भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नई प्रोडक्ट कौन सी है जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है, तो वो कैसे मालूम करे? तो आप लोकल बिजनेस में यहाँ पे इंडिया में आप ऐसे एग्जीबिशन में जाओ, लोकल एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर में, तो वहां पे कोई किसी ने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो आपको मालूम पड़ेगा, तो आप वो प्रोडक्ट को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट बढ़ा भी सकते हो। और यहाँ पे जो एग्जीबिशन में आते हैं जेन्युइन सप्लायर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो मोस्टली, तो आप वहां से अच्छे बायर मतलब अच्छे सप्लायर जो है ढूंढ सकते हो और वो प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर आता है विजिट टू डायरेक्ट फैक्ट्री। यस, दूसरा एक ऑप्शन है कि जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसकी डायरेक्ट फैक्ट्री आप विजिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डायरेक्ट फैक्ट्री विजिट करो तो आपको पता चलेगा उसका गोडाउन कितना बड़ा है, वो उसका फैक्ट्री कितना बड़ा है, उसका थोड़ा देखते थोड़ा कामकाज पता चलेगा कितना सिस्टमेटिक काम है, तो क्या है, तो आप फैक्ट्री विजिट कर सकते हो। जो भी आप प्रोडक्ट प्रोक्योर करना चाहते हो, जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, वो प्रोडक्ट का फैक्ट्री विजिट कर सकते हो। यस, बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्ट फैक्ट्री विजिट बोलते हैं इसे, आप कर सकते हो, डायरेक्ट फैक्ट्री विजिट आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। विजिट टू डायरेक्ट मार्केट, यस, ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि आपको कपड़ा लेना है तो आप कपड़े के मार्केट में चले जाइए, आपको कुछ ज्वेलरी वगैरह लेना है तो ज्वेलरी के मार्केट में चले जाइए, तो वहां पे बड़े बड़े सप्लायर्स और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर आपको मिल जाएंगे। मार्केट में बड़े बड़े सप्लायर्स, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे और अच्छी बात है, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा? वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगी, प्रोडक्ट के नए नए इनोवेशन मिल जाएंगे। तो आपको एक ही चीज़ है, इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट करना है, तो घर से बाहर निकलेंगे तब जाके काम होगा। देखो मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली, इंडिया में लोगों के पास बायर है, बायर विदेश में बायर है, ऑर्डर है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है। ये बहुत डिटेल में सब्जेक्ट है, यहाँ पे लोगों के पास रेडी प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या करना है, प्रोक्योरमेंट आपको सही तरह से करना है, सही प्राइस पे करना है। कई लोग मेरे स्टूडेंट आते हैं, मुझे क्वेरी करते हैं कि सर कि हम कभी किसी को प्राइस देते हैं तो बोलता है कि आपका प्राइस ज्यादा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? इसका यह मतलब है कि आपने जो है प्रोक्योरमेंट सही तरह से नहीं किया है, आपका जो परचेजिंग प्राइस है वो ज्यादा है,
कई प्रोडक्ट में, फ्रूट एंड वेजिटेबल में कई लोग होमवर्क नहीं करते, फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं होमवर्क नहीं करते हैं, प्रोक्योरमेंट सही तरह से डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो उसको महंगा गिरता है, उसको क्या गिरता है, महंगा गिरता है। फिर बोलते हैं सर इसमें प्रॉफिट तो दिखता नहीं है, बट जब सही तरह से इनसाइड ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आप जानोगे, एपीबी आप बिजनेस की प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि बिजनेस कैसे वर्क करता है। तो जेन्युइन सप्लायर आपको ढूंढना है, उसके लिए आप मार्केट विजिट कर सकते हो और मार्केट में बहुत सारा अनुभव आपको मिल सकता है, बहुत सारी नई प्रोडक्ट आपको मिल सकती है, तो वन ऑफ द गुड वे है। सप्लायर्स पर्सनल विजिट, आप सप्लायर को पर्सनल विजिट भी कर सकते हो, डायरेक्ट उसको जाके मिल सकते हो कहीं, लाइक रेस्टोरेंट वगैरह में मिल सकते हो, कॉफी शॉप में मिल सकते हो, भाई आई लाइक टू मीट यू, कोई सप्लायर है मैन्युफैक्चरर है तो आप उसको बाहर भी मिल सकते हो। और मैं एडवाइस करता हूँ कि उसकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री पे ही मिलो, तो एक आपको ट्रस्ट बैठेगा। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ कोई है वो है ट्रस्ट फैक्टर है, तो आपको ट्रस्ट फैक्टर आपके सप्लायर के साथ डेवलप करना पड़ेगा, तभी वो आपको सपोर्ट करेगा। और अगर आपको सप्लायर ने सपोर्ट कर दिया तो आपको एक्सपोर्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे दिक्कत ही यही है कि जेन्युइन सप्लायर नहीं मिलते हैं, टाइम टू टाइम सप्लाई नहीं देते हैं, ये प्रॉब्लम है इंडिया में। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ चीजें, इनसाइड चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको सप्लायर ने सपोर्ट कर दिया तो आपका काम इजी हो जाएगा, 50% आपका काम इजी हो जाएगा, क्योंकि बायर तो मार्केट में है, बायर को चाहिए, बायर को तो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके वो लेगा। आपको मैं बताऊं कैसे भी करके बायर जो है प्रोडक्ट मंगाएगा, आपसे कॉन्टेक्ट करेगा और आप ज्यादा भाव बोलोगे तो भी वो लेगा, क्योंकि उसको प्रोडक्ट चाहिए, क्या करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्टेक्ट टू फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, यस ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आपके कोई फ्रेंड्स है रिलेटिव्स है उसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि मेरा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, तो ये भी लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं, अच्छी बात है। इसलिए मेरे ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग आते, तो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने से आपको फायदा है। कई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके साथ जुड़ो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़ो। तो क्या कई लोग बोलते हैं सर आप ट्रेनिंग का बताते हो, तो इसमें आपका फायदा है। मेन क्या है कि आपका जितना नेटवर्क बढ़ेगा उतना ही आप ज्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे, उतना ही आप ज्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे। आपको नया नया आइडियाज मिलेगा, नई नई आइडियाज मिलेगी, तो आप उसके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हो, नए नए पार्टनर्स आपको मिलेंगे बिजनेस में। तो ऐसी ट्रेनिंग वगैरह में आप ज्वाइन होते हो, कोई सेमिनार में ज्वाइन होते हो, तो नए नए लोग आपको मिलेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है और प्रैक्टिकली आप सीख भी सकते हो। एसोसिएशन डायरेक्टरी, कई बार क्या होता है कि एसोसिएशन, जैसे कि मैं आपको बताऊं ज्वेलरी एसोसिएशन, उसका डायरेक्टरी होता है, तो उसके सब मेंबर का लिस्ट रहता है जो जेन्युइन रहते हैं। फिर एग्रीकल्चर एसोसिएशन, कोई एग्रीकल्चर एसोसिएशन है तो वहां सब सप्लायर का मैन्युफैक्चरर का सबका जो है लिस्ट रहता है। एसोसिएशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट वालों का एसोसिएशन है, उसके मेंबर का डायरेक्टरी ले सकते हो। राइस मिल एसोसिएशन, राइस मिल का मतलब कितने राइस मिल है हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं लिस्ट लेके उसमें से लोगों को कांटेक्ट करके हम जेन्युइन सप्लायर ढूंढ सकते हैं। सिरामिक एसोसिएशन, अगर आपको सिरामिक वगैरह का प्रोक्योरमेंट करना है तो सिरामिक जो भी एसोसिएशन है हमारे इंडिया में वहाँ पे उसको गूगल कर सकते हो या कहीं से भी डायरेक्टली निकाल सकते हो और उसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जेन्युइन सप्लायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुगर मिल एसोसिएशन, तो बहुत सारे एसोसिएशन इंडिया में है जिसमें उसकी डायरेक्टरी आप ले सकते हो। कॉटन मिल एसोसिएशन, यस कॉटन मिल एसोसिएशन है, तो ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन, हर प्रोडक्ट का मोस्टली एसोसिएशन है ही है, यस। और मास्टर प्लान गूगल, और आप गूगल से भी सप्लायर ढूंढ सकते हो, आप गूगल कर सकते हो कि सप्लायर फॉर राइस, सप्लायर फॉर स्टेशनरी, सप्लायर फॉर फर्नीचर, ऐसे आप गूगल भी कर सकते हो और सप्लायर ढूंढ सकते हो। तो सप्लायर ढूंढने के वेज मैंने आपको बताया कि जेन्युइन वेज इंडिया में क्या क्या है, तो ये सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप जब मर्चेंट एक्सपोर्टर बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक मेरी एडवाइस है, आप सीख के काम करो। क्या है, आप सीख के काम कर सकते हो, मेरा ऑनलाइन भी ट्रेनिंग है, ऑफलाइन भी ट्रेनिंग है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, हमारी जो ऑफिस है वहां पे आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि मेरा एडवाइस जो है जेन्युइन। एक तो यहां से ट्रेनिंग लेने से फायदा क्या होगा, एक तो आप एक लाइक हमारे जैसे एसोसिएशन से जुड़ोगे, हमारे साथ जुड़ोगे, और दूसरा मैंने आप सीखोगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आज का जो जमाना है फास्ट मूवर का है, क्या है, फर्स्ट मूवर का नहीं रहा, फास्ट मूवर। कि सर पहले बहुत सारे लोग आ गए वो एक्सपोर्ट कर रहे,
बट जो फास्ट मूवर रहेगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो आप फास्ट मूव करना है तो क्या, किसी का डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए, किसी का गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। तो जो मेरा नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ और आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो। इंडिया के अंदर बहुत ही पोटेंशियल है, इंडिया के अंदर बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरी दुनिया इंडिया की रिस्पेक्ट करती है। आज के सिनारियों के हिसाब से पूरी दुनिया इंडिया का रिस्पेक्ट करती है। इंडियन लोग दुनिया को, मतलब इंडियन लोग जो है दुनिया वालों को पसंद है, चाइनीज लोग नहीं पसंद है। सोमारे प्रैक्टिकल चीज है, तो हमको सब बहुत सारा एडवांटेज है। आज के दिन में इंडिया को एक्सपोर्ट में बहुत सारा एडवांटेज है। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर आप भी आइए, जुड़िए। मर्चेंट एक्सपोर्टर बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारा वेराइटीज वगैरह मिलता है। बाहर को चाहिए वो चाहिए वेराइटीज वगैरह, तो आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और कुछ भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आंसर आपको वीडियो के माध्यम से जरूर से दूंगा। और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सोशल मीडिया पे उसको फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि दूसरे लोगों को भी इसका अवेयरनेस मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मेरे जो वीडियो है उससे लोगों को नॉलेज मिल रहा है, लोगों को कुछ फायदा हो रहा है, तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। जय हिंद।